तो दोस्तों पेटीएम ने भी देना चालू कर दिया है पेटीएम का बिजनेस लोन, जहां पर आपको 60,000 रुपीज का लोन मिल जाएगा बड़ी ही आसानी से पेटीएम से। और कैसे उसको यूज करना है सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो हेलो गाइस, तो दोस्तों स्वागत है फ्री कमाल के नया फ्रेश एपिसोड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा पेटीएम के बिजनेस लोन के बारे में, सारी डिटेल्स समझाऊंगा कैसे आपको मिलेगा, क्या करना प्रोसेसर है, और दो मिनट के अंदर आप लोन ले सकते हैं पेटीएम से 60,000 रुपीज तक का, सारे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ बताऊंगा। और अगर हम इस लोन को पे नहीं करते हैं पेटीएम को तो क्या होगा हमारे संग, तो ये न्यू फीचर निकला है पेटीएम बिजनेस लोन के नाम से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, और आज का भी हम एम करते हैं 250 लाख का, तो मुझे उम्मीद है कि आप 250 लाख जरूर कंप्लीट कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इससे कि आपको ऐसे बड़ी वीडियो सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर पेटीएम का बिजनेस लोन लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपके पास एक मर्चेंट अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अभी पेटीएम ने हाल फिलहाल में पेटीएम पोस्टपेड निकाला था जो कि अपने पेटीएम वॉलेट कस्टमर्स के लिए था, लेकिन अब यहाँ पर मर्चेंट के यूजर्स के लिए पेटीएम का बिजनेस लोन निकाला है जिसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने बैंक में लेकर उसको कहीं भी हर जगह यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे और बैंक वगैरह में जाकर लोन लेते हैं सेम उसी टाइप से लोन है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल स्टेप फॉलो करके हमें ये लोन मिलना है, ना ही हमें यहाँ पर कोई अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है, और ना ही इसका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है कि हम आसानी से इस लोन को बड़ी आसानी से दो मिनट के अंदर ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपके पास कोई एक मैसेज आया है पेटीएम की तरफ से, पेटीएम अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट है, तो अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया कि आपको यहाँ पर 60,000 का लोन मिला है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अभी सभी यूजर्स को नहीं मिलना चालू हुआ है, कुछ ही कुछ को यहाँ पर अभी दिया गया है। तो सबसे पहले आप अपना पेटीएम मर्चेंट ऐप को अपडेट कर लिया, पेटीएम फॉर बिजनेस नेम से जो होता है, तो अपडेट करने के बाद वहां पर आप अपने उस ऐप में चले जाइएगा, वहां पर आप ऊपर थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक नया ऑप्शन देखने को मिल जाता है पेटीएम बिजनेस लोन का। तो दोस्तों यहां पर अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अगर यहां पर आपको पेटीएम ने लोन दिया होगा तो वहां पर आपका ओपन हो जाएगा। तो मेरे केस में एक अकाउंट में तो मेरा दिखा रहा है, लेकिन अगर मैं अपने दूसरे अकाउंट में आपको चेक करता हूं तो वहां आप देखेंगे कि मुझे दिखा जाएगा कि आप अभी आपके लिए कमिंग सून है, आपको जल्दी इसके आपको भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे एक अकाउंट में मिला है, सभी अकाउंट्स में अभी आपको नहीं मिलेगा, आप चेक कर लीजिएगा स्पेसिफिक अकाउंट्स के लिए अभी दिया गया है। तो सारी डिटेल्स मैं आपको समझा देता हूं, जैसे फ्यूचर में आपके कभी ना कभी अगर आपको जरूरत पड़े तो आप यहां से है ना पेटीएम से लोन ले सकते हैं। तो चलिए जैसे ही आप इसके मेन इंटरफेस में आ जाएंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि मिनिमम आप 5,000 रुपए का ले सकते हैं लोन, और मैक्सिमम आपको 60,000 रुपीज तक का लोन मिल जाएगा, यानी 5,000 से लेकर 60,000 तक का कुछ भी लोन यहाँ पर आपको मिल सकता है। और यहाँ पर कुछ इनके सेम प्रोसेस होता है जैसे हम बैंक में जाकर लोन लेते हैं, सेम इनका है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे इनका काफी कम है, बैंक का अगर हम कंपेरिजन करें तो काफी कम है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जरूरत नहीं होती, आसानी से यहाँ पर हम लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आपको लोन लेना है तो मैं आपको पहले इसकी ये टर्म्स एंड कंडीशंस जान लीजिए, उसके बाद आप अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो आप लोन ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर आप 60,000 का ही लोन लेना चाह रहे हो 60,000 रुपीस का, तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी एक प्रोसेसिंग फीस लगती है जो कि सभी जगह लगती है, अगर आप बैंक में भी चले आएंगे कहीं भी चले आएंगे तो प्रोसेसिंग फीस देना जरूरी होता है। तो जो अगर आप 60,000 का लोन ले रहे हैं तो वहां पर 708 रुपीस की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, यानी लोन अप्रूव कराने के लिए आपको 708 रुपीस देने पड़ेंगे, और इसमें जीएसटी इंक्लूडेड है, तो आपको जीएसटी के संग टोटल 708 रुपीस का पहले ही पेमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों यहां पर जो लोन का पीरियड है, आपको 180 डेज मिलेंगे लोन का पीरियड के लिए, यानी 180 डेज के अंदर आपको ये लोन इनको वापस करना होगा। अब इसमें पेटीएम ने एक पॉइंट निकाला है कि हमें डेली इंस्टॉलमेंट देनी होगी कुछ रुपयों की, तो अगर मैं यहां पर 60,000 का लोन लेता हूं तो मुझे डेली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी, जरूरी नहीं कि मुझे एक महीने बाद देनी है, दो महीने बाद देनी, ऐसे नहीं, आपको डेली पेटीएम को इंस्टॉलमेंट यहाँ पर भरनी पड़ेगी, तो डेली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपकी वहां पर शो हो जाएगा। अगर आप जितने का भी लोन लेना चाह रहे हो उस हिसाब से यहाँ पर आपकी वो डेली इंस्टॉलमेंट अपने आप पेटीएम बांध देगा। अब यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है आप देख सकते हैं कि 60,000 रुपीज पे आपको ओनली 5,000 रुपीज के लगभग यहाँ पर अप्रोक्स 5,000 रुपीज आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि काफी कम है, यानी कि अगर आप 5,000 इंटरेस्ट लगा दें प्लस प्रोसेसिंग फीस लगा दें 7,000 कुछ रुपीज की, तो टोटल आपके 6,000-7,000 रुपए बन जाते हैं, यानी कि आपको 60,000 रुपीज पर है ना 6,000-7,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी टोटल 67,000 के लगभग आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे। तो जरूरी नहीं आप 60,000 का ले, आपकी जितनी मर्जी हो आप उतना ले सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी आप लेना चाहते हो, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी चीज की सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको बड़ी ही आसानी से लोन मिल जाएगा। अगर आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो वो आपसे सिक्योरिटी डिपॉजिट पूछते हैं कि आप लोन कैसे भरेंगे, क्या करेंगे, लेकिन इन केस में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ नहीं करना है।
आपको डायरेक्ट लोन मिल जाएगा अगर आपके में शो होता है ये वाला फीचर, तो इंस्टेंटली आपको 2 मिनट के अंदर लोन मिल जाएगा। बस ये फीचर उन्हीं के लिए शो करेगा अगर आपका फुल केवाईसी अकाउंट हो। अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट क्रिएट है और मर्चेंट अकाउंट का जो पेटीएम अकाउंट है उसकी अगर फुल केवाईसी हो रही है, आपने पैन कार्ड दे रखा है, आधार कार्ड की से केवाईसी करा रखी है, तो आपको ये फीचर यहाँ पर मिल सकता है। और अभी भी अगर आप थोड़ा टाइम बाद भी मिल सकता है क्योंकि नया फीचर आया है बिल्कुल जस्ट अभी, तो कुछ टाइम भी लग सकता है आपको मिलने में, तो आप वेट कीजिए। अगर आपको नहीं मिला हो, मिल गया है और अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसको आसानी से यहाँ पर ले सकते हैं। तो बस आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा और अपने सारी चीजें फॉर्मेलिटीज वगैरह आपको कंप्लीट करनी होंगी और इंस्टेंटली आपके अकाउंट में जितने का भी आपने लोन लिया है वो आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। अब आपके अकाउंट से हर पर डे आपके पैसे काट लिए जाएंगे, तो इंटरेस्ट के हिसाब से आपका हर पर डे पैसे ले लिए जाएंगे डेली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको ये प्रोसेस इनका चलेगा। अब मेन पॉइंट यहाँ पर एक चीज आती है कि अगर मैं इनसे पैसे तो ले लूं लोन, अब ये ना ही कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रख रहे हैं ना ही कुछ रख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ से पैसे इनको नहीं लौटाता तो ये मेरे संग क्या होगा? सबसे मेन पॉइंट ही यही आता है हमारे माइंड में कि हमारे संग क्या होगा अगर मैं यहाँ पर कुछ नहीं करता। मान लीजिए अगर मैं अपना बैंक अकाउंट भी जीरो कर लेता हूँ, मेरे पे पैसे ही नहीं बचे हैं, मैंने सब खर्च कर दिया, तो मेरा क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो एक पॉइंट ये आता है कि आपकी CIBIL की कंप्लेंट की जाती है, तो CIBIL में आपकी कंप्लेंट की जाती है और आगे फ्यूचर में आप कुछ भी लोन वगैरह नहीं ले सकते या कुछ भी अगर आप लेना चाह रहे हैं बैंक वगैरह से कुछ भी अप्रूव वगैरह कराना चाह रहे हैं तो वो आप नहीं करा सकते क्योंकि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, अगर आपके पास अब दोस्तों अगर आपके पास बिल्कुल पैसे ही नहीं बचे हैं, जीरो बैलेंस हो चुका है आपके अकाउंट में, कहीं भी आपके पास ना कोई जमीन है ना कोई ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं है आपको देने लायक, आपके पास एक भी रुपया यहाँ पर नहीं बचा है, तो आप इन पैसों को अब पेटीएम आपसे पैसे कैसे लेगा? तो इसके लिए जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि हाल फिलहाल में जेट एयरवेज का आपने एग्जाम्पल देखा था जहाँ पर जेट एयरवेज के पास बिल्कुल भी पैसे अब नहीं बचे थे, तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट उसको कुछ ऑथराइज वगैरह करते हैं, तो ये मुझे फंडा इनका समझ में नहीं आया। तो ये फंडा मुझे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया कि कैसे यहाँ पर हमसे पेटीएम पैसे लेगा अगर हमारे पास एक भी रुपये नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ना ही पेटीएम हमसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहा है ना ही कुछ कर रहा है। तो इसके बारे में पेटीएम ने अभी खुद खुल के भी नहीं बताया और अगर कस्टमर केयर से भी आप पूछेंगे तो उनको भी कुछ पता यहाँ पर नहीं होता है। तो किसी को भी अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि अगर हमारे 0 रुपीज हो जाए बिल्कुल तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर पेटीएम हमसे पैसे कैसे लेगा। तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इनको पे करेगी या हमारे ऊपर कुछ केस वगैरह होगा, अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या होगा। लेकिन मेरी मानिए तो अब अगर आप जेन्युइन तरीके से लेना चाह रहे हैं तो जेन्युइन तरीके से ही लीजिएगा और आप यहाँ पर डेली इंस्टॉलमेंट यहाँ पर इनकी पे कर दिया क्योंकि काफी बढ़िया इनका यहाँ पर ये प्रोसेस है, हम आसानी से जब लोन ले सकते हैं घर बैठे बैठे वो भी 2 मिनट के अंदर, तो बड़ी ही अच्छा यहाँ पर ये फीचर निकाला है पेटीएम ने और धीरे धीरे करके सभी को इस फीचर के बारे में सभी को ये जो फीचर ये मिल जाएगा और आपको भी यहाँ पर अगर आप फ्यूचर में अभी कभी लोन लेना चाह रहे हो तो आप आसानी से यहाँ पर कम रेट में कम इंटरेस्ट में यहाँ पर ये लोन पेटीएम की तरफ से ले सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स तक और अगर आप अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको ऐसे ही बड़ी वीडियो सबसे पहले मिलते रहते हैं। तो बस दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे फ्रेश एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।